जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज हम क्लास 9 में जो हमारा चैप्टर चल रहा था केली और कोकिला, उसके आगे के पदों का वाचन करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अगले पद में माधुलाल चतुर्वेदी जी कोयल को क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि मेरी भीतरी स्थिति, यानी कि जेल के भीतर मेरी स्थिति किस प्रकार की है, हम कैसा जीवन यहाँ पर जीते हैं। इस पद के माध्यम से कवि ने हमें यह समझाने का भी प्रयास किया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जो हमारे वीर पुरुष थे, उन्हें अंग्रेज सरकार के द्वारा जेलों में घुस करके किस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, उन पर किस प्रकार के जुल्म किए जाते थे, वे सारे इस पद के अंतर्गत अपने को पढ़ने को और जानने को मिलेंगे। हमें ज्ञात होगा कि किस प्रकार हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, कितनी यातनाएं उन्होंने झेली, कितने कष्ट उन्होंने झेले। तो कोकिल को माध्यम बनाकर, कोयल को माध्यम बनाकर चतुर्वेदी जी अपनी उन अवस्थाओं को उसके सामने प्रकट करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहरा, हे कोयल तू ये जो रात में आके कूदती है बोलती है, तो क्या तुम हमारी जंजीरों का गहना नहीं देख सकती। यानी कि स्वतंत्रता सेनानी जंजीरों को भी अपना गहना मानते थे, आभूषण मानते थे। वे मानते थे कि इस पथ का यदि हमने चुनाव किया है, कौन से पथ का, आजादी प्राप्त करने वाला पथ का यदि हमने चुनाव किया है, तो ये चीजें तो हमें प्राप्त होगी ही। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, ये तो हमारे लिए ब्रिटिश राज का, अंग्रेजी शासन का गहना है, आभूषण है, जो हमारे जीवन को और सुशोभित करते हैं। कोलू का चरकचू जीवन की तान, अब यहां से वो कवि प्रारंभ करता है कि दिन भर की क्या प्रक्रिया। कोलू का चरकचू, कोलू देखा होगा आपने बैल जो गाड़ी के चक्कर लगा था, वो कह जाता है कोलू, उसकी जो आवाज आती रहती चलने से चरकचू, तो वो कह रहे हैं कि हम भी कोलू पर बैलों की जगह जूते जाते हैं, और उसकी जो चरकचू है यही हमारे जीवन का संगीत है। कोलू का चरकचू जीवन की तान, तान यानी संगीत। गिट्टी पर उंगलियों ने दिखे गान, पत्थर तोड़ तोड़ करके छोटी छोटी गिट्टियां बजाई जाती है। पहला काम क्या करते हैं, कोलू चलाने का, दूसरा काम क्या करते हैं, गिट्टियां तोड़ने का। तो क्या कहते हैं कि गिट्टी पर उंगलियों ने दिखे गान, उन गिट्टियों पर भी हमारी उंगलियों के गीत लिखे हुए हैं। हूँ मौत खींचता लगा पेट पर जुआ, मौत कहते हैं एक चमड़े का थैला जिससे गांव में आपने देखा होगा पानी भरने का काम किया जाता है, जिसे चरस भी कहा जाता है। मौत एक चमड़े का बड़ा थैला होता है जिसे चरस भी कहा जाता है, और जिससे कुएं से पानी भरा जाता है और फिर ऊंटों को लाद करके दूर दराज के इलाकों में भेजा जाता है। तो ये भी कार्य करते हैं, क्या करते हैं, हूँ मौत खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ कहते हैं, आपने देखा होगा खेती में, जब आजकल तो आधुनिक साधन हो गए, पूर्व में जब खेती होती थी बैलों के माध्यम से, तो दो बैलों को जोड़ने के लिए एक लकड़ी का हत्था लगाया जाता था, उसी को कहा जाता है जुआ। तो वो जुआ लगा करके हम अपने गर्दन के ऊपर वो लकड़ी डाल करके कुएं से थैले भर भर के चरस के पानी भरते हैं, ये दिन भर की हमारे क्रियाकलाप होते हैं। हूँ मौत खींचता लगा पेट पर जुआ, और इस कार्यों के द्वारा मैं क्या करता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। ये सब में यातनाएं हंसते हंसते सहन कर जाता हूँ, जिससे क्या होता है, अंग्रेजी सत्ता की जो झूठी अहंकार है वो अहंकार कम होता है। तो जो जो हमें पीड़ित करते हैं और हम हंसते हंसते हर एक पीड़ा को सहन करते हैं, क्योंकि उनकी अकड़ जो होती है वो समाप्त होती रहती है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढाली आली, आली कहते सखी को, हे कोयल सखी दिन में करुणा क्यों जगे। दिन भर में हमारे नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती है, हमारे अवस्थाओं को देख करके अंग्रेजी शासन के भीतर किसी प्रकार की कोई करुणा, कोई प्रेम, कोई दया भाव जागृत नहीं होता। इसीलिए शायद तुम रात्रि का समय चुनाव करके हमारे उन घावों पर मरहम करने का काम करती हो। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढाली हो, तुम भी हमारी पीड़ा को शांत करने के लिए उचित समय चुना। तुम्हें मालूम है कि दिन में तो कहीं करुणा का नामो निशान नहीं है, रात्रि अंधकार में तुम अपने गीतों के माध्यम से मेरी इन घावों पर, मेरी इन पीड़ाओं पर मरहम लगाने का कार्य करती हो। इस रात समय में अंधकार को भेद रही हो क्यों, भेदना चीरना भेदना, इस रात समय में अंधकार को भेद रही हो क्यों। इस रात्रि के समय
अगर ये कारण नहीं है जो मैंने पूर्व में बताया कि तुम जाति का चुनाव इसलिए किया ताकि हमारी पीड़ाओं को दूर कर सको, उनके गांव कर उन गांवों पर मरहम लगा सको, अगर ये कारण नहीं है तो फिर इस रात्रि के समय रात्रि को चीरती हुई वेदना तुम क्यों प्रकट कर रही हो? इस रात समय में अंधकार को बेद रही हो क्यों? चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? तुम चुपचाप हमारे भीतर क्रांति की ज्वाला को और अधिक तीव्र करने का ये कार्य क्यों कर रही हो? आप आती हो रात्रि में, नींद की गीत सुनाती हो, हमें ऐसा एहसास होता है कि हमें अपने कार्य में और अधिक तीव्रता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और अधिक हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्या यही कारण है? ये कोई स्पष्ट बताओ तो सही, कोकिल बोलो तो, कोकिल तुम ये बताओ तो सही कि तुम किस कारण से रात्रि के समय आकर के कूक करती हो? अगले पद में कहते, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। तू भी काली है और रजनी भी, रजनी यानी रात्रि, कोयल तुम भी काली, रजनी यानी रात्रि भी काली, शासन की करनी भी काली, शासन की कर्तृत्व जो है वो भी काली है। इसलिए चारों ओर का जो वातावरण है वो काली माँ से युक्त है, अंधकार से युक्त है। काली माँ से युक्त होने का तात्पर्य होता है अंधकार से युक्त होना, चारों ओर कोई रास्ता नजर नहीं आना। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। काली लहर चारों काली लहर चल रही, काली लहर चलने का तात्पर्य निराशा के भाव उत्पन्न हो रहे। मेरी कल्पनाएं भी काली, मैं भी अब इन अवस्थाओं से गुजरते हुए सोच जो है मेरी विकृत हो चुकी है। मेरी काल कोठरी काली, काल कोठरी पूर्व में मैंने बताया था ऐसा स्थान जहाँ संगीन अपराधियों को रखा जाता हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी उपलब्ध न होता हो। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो संकरा काली। जो पहनी जाने वाली टोपी है वो भी काली है, कमली काली मुझे जो ओढ़ने के लिए कंबल दी जाती है, कमली कहते हैं कंबल को, मेरी कंबल भी काली है। मेरी लो संकरा मुझे जो हथकड़ियाँ पहनाई गई है, लो संकरा यानी हथकड़ियाँ, वो भी काली। पहरे की हुंकृति जो रात्रि के समय सिपाही पहरे देते हैं, उनकी हुंकृति उनकी हुंकार, व्याली व्याली कहते हैं नागिन की भांति हुंकार मारती है, पीड़ा देती है। व्याली का होता है नागिन या सापिन जिसे कहते हैं। तो पहरे की हुंकृति व्याली तिस पर ए गाली ए आली, इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी उन शासकों द्वारा उन सिपाहियों द्वारा हमें गाली मिलती है, हे सखी। तिस पर यानी उन सब पर गाली, हमको गालियाँ दी जाती है, हे आदि हे सखी, ऐसा हमारा जीवन है। इस काले संकट सागर पर मरने को मनवाती कोकिल बोलो तो, क्या तुम भी इस काले और गहरे संकट पर अपना जीवन न्योछावर करना चाहती हो, मरने की मनवाती मरने के लिए आतुर रहना चाहती हो, या अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? चमकीले गीत, अब गीत चमकीले कैसे होते हैं? उत्साह से युक्त, प्रेरणा से युक्त। तुम अपने गीतों के माध्यम से, चमकीले गीतों के माध्यम से, या हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करना चाहती हो, या अपने आप को न्योछावर करना चाहती हो, कुछ तो बताओ कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही कि आखिरकार तुम यहाँ आकर के क्यों रहते किस में हुंकार उठाती हो? तो आज के लिए इतना ही, इसका एक छंद और रह जाता है वो कल करेंगे। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।